والصبح بدا طال عتبي والليل دجى इतनी पुरनूर और इतनी जिसको आप स्पिरिचुअल एक महफिल कहेंगे और माशाल्लाह जो ज़ियारात हमने यहाँ पे की हैं, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं आपको बताऊँ जिस तरह से ये गिलाफ आप देख रहे हैं और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर यहाँ मौजूद है और रियाज़ुल जन्नत का वो कालीन जिस पे हमने नवाफिल अदा किए यहाँ पे, बेशुमार यहाँ पे ख़ास चीज़ें मौजूद हैं जिनकी आप भी ज़्यारत कर सकते हैं। और मैं अपने बच्चों को स्पेशली यहाँ पे लेके आया, शाइस्ता का मैं थैंक यू करूँ कि उन्होंने इनवाइट किया इतनी खूबसूरत महफिल में। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं आया हूँ यहाँ जनाब मोहतरमा डॉक्टर शाइस्ता लोधी साहिबा की रिहाइश गाह पर, ज़ाहिर किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त एक रूह परवर महफिल का भी इनेकाद हुआ था। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग डॉक्टर साहिबा के इस एतबार से तारुफ से वाकिफ़ हैं, लेकिन तवातुर से उनके घर पर इस तरह की महाफिल होती है माशाल्लाह। और आज तो बहुत ही एक ज़बरदस्त कैफियत है, इसलिए कि यहाँ पे बहुत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाने खुदा से नस्बत रखने वाली मुतबर्रिक चीज़ें यहाँ पे, तो एक बहुत अच्छी एक बहुत ग्रुप परवर महफिल का इनेकाद हुआ जिसमें हमारे बहुत सारे साथी शरीक थे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए इंशाल्लाह और हम सबको ये तौफीक दे, अल्लाह ताला और उनके हबीब का जिक्र करने की, दिल से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला जिक्र को कबूल फरमाए इंशाल्लाह। बेतहाशा खूबसूरत चीज़ों का दीदार हुआ है और इस तरह की जो महफिलें होती हैं, इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं, ये बहुत ही एक रूहानी कैफियत का अमल होता है। जिस तरह हम सब बैठ के हंसते हैं बोलते हैं, इसी तरह हम बैठ के इबादतें भी करते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं आने वाले वक्त के लिए, बेहतरी के लिए, खूबसूरती के लिए, खुशनूदी के लिए, खुशनुमाई के लिए दुआएं करते हैं। और आज भी यही दुआ हम सब ने मिलकर की कि अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, सेहतमंद रखे और आने वाला वक्त बहुत अच्छा। शाइस्ता साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का और यहाँ पे खूबसूरत महफिल का इनेकाद करने का। हम पहले तो मैं शुक्रिया करूंगी शाइस्ता का, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनका हमेशा अरमान दिल में होता है। और हमने बहुत सारी मुल्क के हालात के लिए, मुल्क के लिए, जो भी दुनिया के हालात चल रहे हैं, सबके लिए बहुत दुआएं की और उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी ये सारी दुआएं कबूल करेंगे। मैं अभी उम्रे से वापस आई थी, लेकिन मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे मैं वहीं किसी मकाम पर हूँ। अल्लाह ताला इस तरह की बाबरकत महफिलें मुनक्किद करने वालों को सुकून दे, ज़िंदगी की खुशियां दे और दिल को सुकून दे, सबसे बड़ी बात। आज बड़ा लकी डे था शाइस्ता के तवस्सुत से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी बिलोंगिंग्स हैं यहाँ पर जिनकी ज़ियारत करने का मौका मिला। एंड आई फील सो लकी, बड़ा खुशनसीब हैं वो लोग होते हैं जिन्हें ये मौका मिलता है। और आज शाइस्ता ने हम लोगों को इनवाइट किया और यहाँ देखकर चीज़ें एक अजीब सी एक रूहानी कैफियत आ जाती है आपके ऊपर और आप विजुलाइज करने लगते हैं वो सारा दौर, वो सारी बातें हैं जो हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। सो आई फील वेरी लकी और आई एम वेरी थैंकफुल टू शाइस्ता कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया और हमें ज़्यारत करवाई। तेरे से तेरे और शब के से
Allah, 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 Allah